हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर एट परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज परसेंटेज तो स्टूडेंट्स परसेंटेज इज द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर हंड्रेड ओके हियर यू कैन सी परसेंट मींस पर हंड्रेड और आउट ऑफ हंड्रेड फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी कि अगर किसी को वन थाउजेंड वन थाउजेंड में से टू हंड्रेड मार्क्स मिले तो उसे हंड्रेड में से कितने मार्क्स मिलते यानी कि एज डिनोमिनेटर हम यहाँ पे हंड्रेड लेंगे वी विल टेक हंड्रेड एज डिनोमिनेटर हियर तो हंड्रेड में से उसे कितने मार्क्स मिलते ट्वेंटी मिलते अगर उसे वन थाउजेंड में से टू हंड्रेड मिले हैं तो उसे हंड्रेड में से उसी स्केल uh, पे कितने मार्क्स मिलते ट्वेंटी मिलते सो इट इज़ पर हंड्रेड वी कैन से और आउट ऑफ हंड्रेड ओके परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ परसेंटेज मीन्स इज द निनोमनेटर of a fraction with denominator 100 denominator is 100 now the next topic is converting a percentage into a fraction how can we convert a percentage into a fraction if there is a number with percentage okay so first of all we have to uh, remove percent and we have to multiply that number by 1 upon 100 for example we can see if we have 75% okay this is in percent, and we have to convert this number uh, into fraction. So, how can we uh, uh, convert it? First of all, we have to uh, remove percent. Okay, we have to remove percent and we will write at the place of percent 1 upon 100. Okay, it means we will multiply 75 by 1 upon 100. So, it will be 75 upon 100. But now we have to convert it into simplest form. So, we can cancel out these. एंड एंडोमेटर बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थ्री ज्वेंटी फाइव थ्री जहावेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड तो थ्री अपन फोर दिस इज द फ्रैक्शन कैन सी ओके नाउ कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज हाउ कैन वी कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज इफ देर इज अ फ्रैक्शन टू अपॉन थ्री एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन परसेंटेज तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई हंड्रेड एंड वी हैव टू यूज साइन परसेंट बिकॉज हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो sign, uh, का साइन भी हमें यहाँ पे यूज यूज़ करना पड़ेगा तो इट विल बी टू हंड्रेड अपॉन थ्री परसेंट और वी कैन राइट इट इन मिक्स फ्रैक्शन ऑल्सो ओके ना होते नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इंटू अ रेशियो हाउ कैन वी कन्वर्ट अ परसेंटेज इंटू अ रेशियो इफ़ वी हैव अ क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इसे रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा ये परसेंट यहाँ से रिमूव करना होगा परसेंट रिमूव करने के लिए हमें ट्वेंटी फाइव को मल्टीप्लाई किससे करना होता है वन अपॉन हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होगा परसेंट अपने आप ही रिमूव हो जाएगा ओके तो इट विल बी ट्वेंटी फाइव एंजा ट्वेंटी फाइव अपोन वन हंड्रेड ओके नाउ ट्वेंटी फाइव एंड जावेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जा वन हंड्रेड तो इट विल बी वन अपॉन फोर ये हमारा फ्रैक्शन हुआ अब हमें इसे रेशियो में लिखना है तो वी कैन राइट इट एज न को पहले लिख दे, लिख देते हैं और रेशियो वाला साइन लगाने के बाद डिनोमिनेटर को हम लिख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वन इज टू फोर नाउ कन्वर्टिंग अ रेशियो इन टू अ परसेंटेज तो अगर कोई रेशियो दिया है इफ देर इज टू इज टू फाइव और हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हाउ कैन वी कन्वर्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस रेशियो इन फ्रैक्शन तो हमें ये फ्रैक्शन में लिखना होगा तो इट विल बी टू अपॉन फाइव डिनोमिनेटर जो है वो पहले वाला तो ऊपर आएगा डिनोमिनेटर बाद वाला है ये फाइव तो नीचे आएगा तो इट इट इज़ इन फ्रैक्शन नाव नाव वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू परसेंटेज तो फोर कन्वर्टिंग इट इंटू परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाईट बाई हंड्रेड आई हैव टोल्ड यू मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके ठीक है और यहां पे हमें साइन भी यूज करना पड़ेगा फिर परसेंट का तो इफ़ वी डिवाइड हंड्रेड बाई फाइव देन इट विल बी फाइव टू जन जीरो ट्वेंटी टू ज फोर्टी परसेंट ओके तो ये कितना हो जाएगा फोर्टी परसेंट नाव कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इंटू अ डेसीमल परसेंटेज को डेसीमल में कैसे कन्वर्ट करें तो इफ देर इज गिवन ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इट कैन बी रिटर्न एज ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड नाउ वी हैव टू डिवाइड ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड इफ वी डिवाइड ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड देन इट विल बी जीरो पॉइंट टू फाइव क्लियर नाउ कन्वर्टिंग अ डेसीमल इंटू परसेंटेज अब डेसीमल को परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है तो इफ वी हैव टू पॉइंट फाइव एंड वी हैव टू कन्वर्टेड इंटू परसेंटेज तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं सीधा सा वही लास्ट वाला तरीका कि हमें यहाँ पे हंड्रेड से मल्टीप्लाई से करना होगा एंड वी हैव टू यूज साइन ओफ़ परसेंटेज तो इट विल बी 50 percent okay so i hope you have understood now we will start exercise 8.1 so here you can see question number one is convert the following uh, percent into fractions in simplest form so it is 25 percent so 25 percent we have to remove percent from here so it will be 25 percent can be written as 1 upon 100 okay so 25 2500 25 upon हंड्रेड तो ये फ्रैक्शन में हो गया बट हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है तो ट्वेंटी फाइव बन जा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड तो इट विल वन अपॉन फोर नाउ वन फिफ्टी परसेंट वन फिफ्टी परसेंट कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन हंड्रेड सो वन फिफ्टी बन जा वन फिफ्टी अपॉन हंड्रेड सो फिफ्टी थ्री जा वन फिफ्टी एंड फिफ्टी टू जा हंड्रेड तो इट विल बी थ्री अपॉन टू ओके नाउ सेवन होल वन अपॉन टू परसेंट तो uh, In improper fraction, we'll, uh, we will have to write it. to so, 2, 7, 14, 1, 15 upon 2%. So, when we remove percent, then we have to write 1 upon 100. Okay. 5, 3, 15, and 5, 2, 10, it will be 20. Okay. So, 3, 1, 3 upon 22, 40. It is in simplest form. Okay, now 33 whole 1 upon 3%. So it can be written as 33 uh, 3 99 100 upon 3%. Okay, 100 upon 3%. Uh, now we have to remove this percent, then we have to multiply the given fraction by 1 upon 100. So 100 will be cancelled out by 100, then it will be 1 upon 3. Okay, now second question is convert the following fractions into percent so we have to convert these fractions into percent so for uh, converting it we have to multiply it by 100 and we have to use the sign of percent so when we divide 100 by uh, sorry uh, it will be 100 upon 8 100 upon 8 percent okay now we have to divide 100 by 8 when we divide 100 by 8 it will be 12.5 percent Okay, now the next one is 5.4 uh, multiplied by uh, 100%. Okay, so 5 into 100 will be 500 upon 4%. So now we have to divide 500 by 4. So it will be 4, 1, 4, 4, 2, 8, and 4, 5, 20. So it will be 125%. Now the next one is 9 upon 16. So here we have to multiply it by 100%. Okay, 4, 4 is 16 and 4, 2 is 8, 4, 5 is 20. So it will be, uh, uh, we have to multiply these two 25, 9 is 225 upon 4%. Or we can divide 225 by 4, the, then we will have the result 56.25%. Okay, now 3 upon 7 in two hundred. Now you will do this question yourself this also this part also uh, in this part you can see it is 1 whole 3 upon 8 first of all we have to write this part in uh, improper fashion. so it will be 8 1/8 eight, 3 11 upon 8 and we have to multiply it by 100 okay so it will be 1100 upon 8 now we have to uh, divide 1100 by 8 so it will be 137.5% after solving okay so now move to question number 3 तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री इज सिक्स स्टूडेंट्स आउट ऑफ फोर्टी स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एब्सेंट वोट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट लिसन एब्सेंट तीज आर सिक्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फोर्टी तो इन फ्रैक्शन वी कैन राइट इट सिक्स अपॉन फोर्टी क्योंकि फोर्टी में से सिक्स जो है एबसेंट हैं तो ये सिक्स अपॉन फोर्टी हो जाएगा अगर टोटल का देखें यहाँ पे तो एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू परसेंटेज तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो इट विल बी ट्वेंटी टू ज़ा फोर्टी एंड ट्वेंटी फ़ाइव ज़ा हंड्रेड तो टू थ्री ज़ा सिक्स तो इट विल बी थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन परसेंट तो फिफ्टीन परसेंट स्टूडेंट्स आर एबसेंट ना मूव टू पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री तो दैट इज एंटोनी secured थ्री हंड्रेड एट्टी फोर मार्क्स आउट ऑफ फाइव हंड्रेड मार्क्स marks secured द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाई एंटोनी तो ही गोट थ्री हंड्रेड एट्टी फोर आउट ऑफ फाइव हंड्रेड ठीक है जो टोटल होगा वो नीचे लिखना है हमेशा और जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो यहाँ पे लिखना है तो फ्रैक्शन में लिखते टाइम नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड परसेंट ओके तो हंड्रेड 5 500 now we have to divide 384 by 5 so it will be uh, 5 7 35 uh, it will be 34 5 6 30 uh, 40 and 5 8 40 so it it will be 76.8% okay now move to third part of question number 3 that is a shop has 500 shirts out of which 15 are defective what percentage of shirts are defective तो टोटल शर्ट्स आर 500 तो डिनोमिनेटर में हमें टोटल तो लिखना होता है तो 500 हंड्रेड हम एज अ डिनोमिनेटर लिखेंगे यहां पे एंड डिफेक्टिव शर्ट 15 ओके okay? तो इट विल बी 15 अपॉन 500 नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज परसेंटेज तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंट तो हंड्रेड फाइव ज फाइव हंड्रेड फाइव थ्री इट विल बी थ्री परसेंट थ्री थ्री परसेंट शर्ट्स आर डिफेक्टिव नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री इज वानी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ बेंगल्स शी हैज़ ट्वेंटी गोल्ड बेंगल्स एंड टेन सिल्वर बेंगल्स वॉट इज द परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ बेंगल्स नाउ गोल्ड की अगर बात करें तो देखिए ट्वेंटी गोल्ड है और टेन सिल्वर है तो टोटल तो, 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 तो हो गई थर्टी देख गोल्ड ट्वेंटी है और सिल्वर टेन है तो टोटल कितनी हो गई थर्टी अगर बात करते हैं हम गोल्ड की तो इट विल बी अगर गोल्ड की बात करें गोल्ड को हमें परसेंटेज में बदलना है ये देखिए तो कितना पार्ट है ट्वेंटी अपॉन थर्टी नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज तो सो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो जीरो विल बी कैंसल आउट बाय ज़ीरो तो इट विल बी टू हंड्रेड अपॉन थ्री परसेंट यू कैन ऑल्सो राइट इट इन मिक्सड फ्रैक्शन ओके अगर बात करें सिल्वर की तो इट विल बी टेन अपॉन थर्टी क्योंकि टोटल तो, तो नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पे सिल्वर की बात करें तो टेन तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड परसेंट ओके नाउ जीरो विल बी कैंसल आउट बाय जीरो तो इट विल बी हंड्रेड अपॉन थ्री परसेंट एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट इन मिक्स्ड फैक्शन ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री देर आर वन हंड्रेड ट्वेंटी वोटर्स नाइनटी ऑफ दम वोटेड वोट परसेंट डिड नॉट वोट हियर यू कैन सी टोटल वोटर कितने हैं वन ट्वेंटी नाइन्टी ने वोट किया लेकिन कितनों ने वोट नहीं किया भाई देखो टोटल वन ट्वेंटी है तो थर्टी ने वोट नहीं किया होगा तो ये कितने परसेंट हैं देखिए थर्टी ने वोट नहीं किया लेकिन ये तो फ्रैक्शन है बट हमें इसे कन्वर्ट करना है परसेंट में तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड परसेंट जो देखिए यहां पर मैंने थर्टी क्यों लिखा क्योंकि हमें उनका परसेंट फाइंड करना है जिन्होंने वोट नहीं किया तो थर्टी ने वोट नहीं किया होगा तो तो का परसेंट निकालने के लिए हम पे 30 ही लिखेंगे तो 30 वन जा इट मीन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट एंड सेवेंटी फाइव परसेंट वोटेड ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इज एस्टीमेट द पार्ट ऑफ द फिगर विच इज शेडेड एंड हैंस फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पार्ट विच इज शेडेड अभी परसेंटेज पे भी कन्वर्ट करना देखिए फर्स्ट पार्ट देखिये यहाँ पे कितना पार्ट यहाँ पे शेडेड है देखिये यहाँ पे फोर पार्ट्स हैं तो थ्री पार्ट शेडेड हैं तो इट कैन बी रिटर्न एज इन फ्रैक्शन थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर हम लिख सकते हैं इसे फ्रैक्शन में तो बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू परसेंटेज नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड परसेंट। तो वैन बी डिड हंड्रेड बाई फोर रिजल्ट इज ट्वेंटी ट्वेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट ओके नाउ द सेकंड पार्ट हियर यू कैन सी हाउ आर पार्टस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पार्ट्स आर देयर टोटल टोटल हम नीचे लिखते हैं टेनोमीटर में और हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड तो टू पार्ट आर शेडेड इट कैन रिटेन टू अपॉन सिक्स ओके नाओ वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड परसेंट ंड्रेड अप्री परसेंट एंड हंड्रेड अपन थ्री ऑल्सो कैन बी रिटनाइज थर्टी थ्री होल वन अपॉन थ्री परसेंट ओके नाउ थर्ड पार्ट इन थर्ड पार्ट यू कैन सी देर आर हाउ मैनी पार्ट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट पार्ट टोटल पार्ट्स आर एट तो एट डिनोमिनेटर वी विल राइट एट एंडर हाउ मैनी पार्ट आर शेडेड So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 parts are shaded. So, it will be written in fraction 5 upon 8. Now, we have to convert it into percentage. So, we have to multiply it by 100%. So, it will be uh, 4 to 8. It will be 25. Uh, yes, 25. So, it will be 125 upon 2%. Or we can write it 72. Sorry. It will be if, if we divide it uh, to 612, 62.5 percent. We can write it, or we can write it 62 whole one upon two percent. If we want to write it in mixed fraction and if we want to write it in uh, decimal, then we can write it 62.5 percent. Both the answers are correct. This is also correct, but this is in improper fraction. Now, move to the next question. Now, the uh, question number five is convert the following percentages into ratios into simplest form okay it is 14 percent so first of all we have to remove this percent for removing this percent we have to multiply 14 by 1 upon 100 so it will be 14 upon 100 now we have uh, we have to cancel out 14 and 100 by 2 2 7 of 14 and it will be 50 so uh, it is 7 upon 50 in fraction but we have to write it into रेशियोज तो इट इज सेवन इज टू फिफ्टी ओके क्योंकि नोमिनेटर को पहले लिखा जाता है और डिनोमिनेटर को बाद में लिखा जाता है ना द सेकेंड वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फैक्शन इंटू इम्प्रोपर फ्रैक्शन तो इट विल बी फोर वन ज फोर थ्री सेवन अपॉइन्ट फोर परसेंट ना वी हैव टू रिमूव परसेंट देन वी हैव टू मल्टीप्लाई सेवन अपन फोर बाई वन अपॉन हंड्रेड तो इट विल बी सेवन अपॉन फोर हंड्रेड ओके so we can write it 7 is to 4 400 sorry now the third one is 33 whole 1 upon 3 percent so it can be written as 100 upon 3 percent in improper fraction okay now we have to remove percent then we have to write 100 upon 3 into 1 upon 100 so 100 will be canceled by 100 so it will be 1 upon 3 or we can write it in ratio 1 is to 3 नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव इट इज़ थर्टी सॉरी थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट कैन बी रिटर्न एज थर्टी सेवन पॉइंट फाइव इन टू वन अपॉन हंड्रेड बट हियर वी हैव टू रिमूव दिस डेसीमल तो हाउ कैन वी रिमूव दिस डेसीमल वैन वी रिमूव डेसीमल तो हमें उसके बाद में जितने डिजिट हैं वो देखनी होती हैं तो so यहाँ पर एक डिजिट है तो डेसीमल रिमूव करेंगे तो so यहाँ पर एक जीरो हमें यहाँ पर बढ़ाना होगा तो इट विल बी थ्री हंड्रेड सेवनटी फाइव अपॉन वन थाउजेंड नाउ वी हैव टू कैंसिल आउट नोमिनेट एंड डिनोमिनेटर बाय फाइव तो इट विल बी फाइव सेवन जा थर्टी फाइव 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 जा ट्वेंटी फ़ाइव एंड हियर आर ऑल्सो फाइव टू जी टेन इट विल बी टू हंड्रेड अगेन वी कैन कैंसिल आउट दीज टू नंबर्स बाई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फ़ाइव थ्री जा सेवेंटी फ़ाइव एंड ट्वेंटी फ़ाइव एट जा टू हंड्रेड तो इट विल बी थ्री अपोन एट एंड वी कैन राइट इन रेशियो थ्री इज टू एट now move to question number six that is express the following ratios as percentages okay so 5 upon 4 we have to uh, sorry 5 is to 4 we have to convert into percentage so 5 is to 4 can be written as 5 upon 4 okay फॉर कन्वर्टिंग इट इन टू परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड परसेंट यानी कि सबसे पहले जो रेशियो में दिया है इसे हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा और फिर उसे हंड्रेड परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे वैन वी डिवाइड हंड्रेड बाई फोर इन द रिजल्ट इज ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव फाइव जाए वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंट इज द रिजल्ट वन इज टू वन वन इज टू वन इन टू हंड्रेड परसेंट विल बी हंड्रेड परसेंट टू इज टू थ्री टू इज टू थ्री विल बी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड परसेंट so it can be written as 200 upon 3% or we can convert it into mixed fraction uh, we can write it i think 66 whole 2 upon 3% yes okay now next one is 9 upon 16 we have to multiply it by 100% so when we divide 116 by 4 so 4 4 16 and uh, 4 4 16 and it is 25. So it will be 25, 9, 225 upon 4%. Okay. Or we can divide 225 by 4, then the result uh, we, uh, will be a mixed fraction, also a decimal number. It can be 56 whole 1 upon 4%, or 56.25%. Okay. It depends upon you. Okay, okay, students. I hope you have understood. In next class, we will discuss question number seven to last of this exercise. Okay, students, bye bye.